राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। कोलकाता के सरकारी हॉस्पिटल में शुक्रवार को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर की डेड बॉडी मिली। शुरुआती जांच में पता चला है कि रेप के बाद डॉक्टर की हत्या की गई है। ट्रेनी डॉक्टर का अर्धनग्न शव हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल के अंदर मिला। कोलकाता पुलिस के अनुसार डॉक्टर के आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, रिंग फिंगर और होठों पर भी चोटें थी। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। ऐसा लगता है कि रेप के बाद गला घोटकर हत्या की गई है। सुसाइड की कोई आशंका नहीं है। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। घटना 8 और 9 अगस्त की रात की है। घटना के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स, भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने सीबीआई जांच की मांग की है। सीएम ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा, मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा, दोषी को फांसी की सजा देने की मांग करेंगे। सीबीआई जांच से कोई एतराज नहीं है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।